नमस्कार, मैं संदीप सिंह आपके साथ स्कूल एजुकेशन और टीचर्स के बारे में कुछ बात करना चाह रहा हूँ। लॉकडाउन के दौरान जैसे कि हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, हमारे पास काम नहीं है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अगर स्कूल नहीं जा पा रहे तो हम फीस किस बात की दें। एज ए टीचर मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि एजुकेशन क्या है, व्हाट इज एजुकेशन। हमारा बच्चा घर में स्कूल से बुक से दो चार चैप्टर कर लेता है तो क्या वो एजुकेशन है? नहीं, एजुकेशन आपके बच्चे के अंदर एक ऐसी एबिलिटी भर देता है जिससे आपका बच्चा जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके और हर मुसीबत का सामना कर सके। जैसे कि आज हम सभी मुसीबत को फेस कर रहे हैं और उनका डटकर सामना भी कर रहे हैं। सेकेंडली आता है स्कूल। स्कूल क्या है? जहाँ हमारा बच्चा 6 घंटे बताकर आता है तो हम बोलते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल से घर आ गया। नहीं, वो स्कूल नहीं है। स्कूल में हमारे बच्चे के उज्जवल भविष्य की नींव रखी जाती है। थर्ड, टीचर। टीचर क्या है? टीचर की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और हमारे बच्चे की ज़िंदगी में क्या अहमियत है? टीचर वो होता है जो हमारे बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात एक कर देता है। जैसे कि लॉकडाउन के दौरान सभी टीचर ने हमारे बच्चों के लिए दिन रात एक कर दिया है, उसे कहते हैं टीचर। शास्त्रों में भी टीचर को गुरु का दर्जा दिया गया है और गुरु बिन ज्ञान नहीं होता। और अब हम सोशल मीडिया की तरफ जाएं तो वहाँ एक टॉपिक बहुत ही चर्चा में है, ऑनलाइन स्टडी और स्कूल। ऑनलाइन स्टडी और टीचर्स को काफ़ी पेरेंट्स सोशल मीडिया में एक ढोंग का नाम दिया गया है। क्या मैं एज ए टीचर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये बात सही है? अगर हम अपने बच्चों के सामने स्कूल टीचर्स को अपशब्द कहेंगे तो उनके मन पर स्कूल और टीचर्स के बारे में क्या प्रभाव पड़ेगा? आप अपनी क्या छवि अपने बच्चों के सामने पेश कर रहे हो? और दूसरी तरफ देखें कि हम कहते हैं कि हम स्कूलों में फीस क्यों दें और स्कूल की तरफ से कहा जाता है कि हमने आपके बच्चों को ऑनलाइन स्टडीज़ करवाई है। पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चों को ऑनलाइन स्टडीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप सोचिए, क्या एक साल तक अगर आपका बच्चा ना पढ़े तो उसकी पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं होगा? जो पिछला याद किया हुआ है वो भी सब कुछ बच्चा भूल जाएगा। इसलिए ऑनलाइन स्टडी बहुत ज़रूरी है बच्चों को स्टडी के साथ टच में रखने के लिए। अब मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। जब मैं अपने बेटे की फ़ीस स्कूल में जमा करवाने गया तो मुझे कई पेरेंट्स ने कहा कि आप फ़ीस क्यों जमा करवा रहे हो। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे कोई एक कारण बताओ कि मैं अपने बेटे की फ़ीस क्यों ना जमा करवाऊँ। क्या मेरे बच्चे को ऑनलाइन स्टडी नहीं की? क्या टीचर्स ने उसको 3-4 घंटे रोज़ नहीं पढ़ाया तो मैं फ़ीस क्यों ना दूँ? हम सभी लॉकडाउन के दौरान बहुत ही आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, तंगी से गुजर रहे हैं। आर्थिक स्थिति को तो सुधारा जा सकता है मगर बीमार और मानसिक स्थिति को नहीं सुधारा जा सकता। अगर किसी को बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी है तो वो उसको चाहिए कि वो स्कूल में जाए, स्कूल स्टाफ और प्रिंसिपल से बात करे। उसकी मुसीबत का, तंगी मुश्किल का कोई ना कोई हल ज़रूर निकल सकता है। अगर हम ये सोच लें कि हमने फीस नहीं देनी, ये सोचकर हम अपने स्कूल के साथ बहुत गलत कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी ये गलत सिखा रहे हैं। एट लास्ट मैं यही कहूँगा कि हमें एक जिम्मेवार पेरेंट्स और जिम्मेवार नागरिक बनना चाहिए और हमें स्कूल, पेरेंट्स, टीचर्स को सभी को मिलकर एक साथ इस मुसीबत का सामना करना चाहिए। और लास्ट में मैं अपने शिक्षक साथियों के लिए दो लाइनें बोलना चाहता हूँ। शिक्षा की ताकत का हो हर इंसान को एहसास, एक गुरु, एक छात्र, एक कलम और एक किताब ही काफ़ी है बदलने को इतिहास। थैंक यू सो मच।